हेलो एवरीवन, आज है 24 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा मोटर्स के बारे में। देखिए, टाटा मोटर्स के शेयर में एक बढ़िया रैली हमें देखने को मिली थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक बहुत बड़ी गिरावट भी हमें यहाँ पर देखने को मिली है। एक्चुअली अगर हम देखें तो पूरे मार्केट की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और मार्केट टूट ही रहा है, और ऐसे सिचुएशन में अच्छे से अच्छे शेयर भी टूट रहे हैं। लेकिन टाटा मोटर्स में डेफिनेटली मार्केट की गिरावट का तो इम्पैक्ट है ही, लेकिन इंटरनली भी थोड़ा सा इश्यू यहाँ पर चल रहा है, और वो क्या है उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बातचीत जरूर करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि टाटा मोटर्स 125 रुपए के आसपास शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। 5% की हमें यहाँ पर गिरावट भी देखने को मिली है। और तो और, पिछले एक महीने की बात करें तो पिछले एक महीने में टाटा मोटर्स का जो शेयर है उसमें सिर्फ 3% का ग्रोथ रह चुका है। आप देखिए, 121 रुपए से शेयर उठ के 150 रुपए तक पहुंच गया था, लेकिन अगर हम देखें तो पिछले 5-6 दिनों में ये जो गिरावट है वो काफी बड़ी है और शेयर टूट ही रहा है, शेयर टूट ही रहा है, संभलने का नाम तक नहीं ले रहा है, और नीचे ही नीचे कंटिन्यूअस बड़े ब्रेक हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। पिछले एक साल की बात करेंगे तो पिछले एक साल में टाटा मोटर्स में 4.5% का गिरावट देखने को मिली है। आप देखिए, 200 रुपए के ऊपर शेयर था पेंडेमिक से पहले, लेकिन बाद में 65 रुपए तक टूट गया, और उसके बाद जो रैली आई है वो वाकई में काफी शानदार रैली थी, लेकिन वक्त फिर से शेयर गिरावट की तरफ आगे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। पिछले 3 साल की बात करेंगे तो पिछले 3 साल में टाटा मोटर्स का जो शेयर है उसमें 70% की गिरावट है, 460 रुपए तक का हाई बना है, और आप देखिए कंटिन्यूअस शेयर में गिरावट आई थी, लेकिन बाद में अच्छी खासी रैली भी आई। आप देखिए, यहाँ पर 2019 के 8वें महीने की अगर मैं बात करूँ तो शेयर जो था वो 107 रुपए तक टूट गया था, लेकिन बाद में एक दमदार रैली आई जब रिपोर्ट आना शुरू हुई कि जो इनकी जो जैगुआर लैंड रोवर कंपनी है उसने बढ़िया सेल्स करना शुरू कर दिया, अच्छा खासा प्रॉफिट वहां से कंपनी कर रही है, शेयर में अच्छी खासी रैली आई, लेकिन पेंडेमिक के आते ही शेयर टूट के बिखर गया, फिर से तेजी की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब फिर से एक बड़ी गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली है। पूरे मार्केट की ये हालत है, तकरीबन 40,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। लार्ज कैप शेयर है, एनएससी में देखेंगे तो तकरीबन तकरीबन 4.25 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है, और अभी वक्त हुआ है दोपहर के 1:15 हुए हैं, और तकरीबन 4.25 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिला, तो काफी बड़ी क्वांटिटीज में अभी लोग यहाँ पर खरीदारी और बिकवाली कर रहे हैं। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 42.39% की होल्डिंग है, एफआईआई के पास 15.62% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 6.21% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 6.77% के आसपास की होल्डिंग देखने को मिल रही है। उसके अलावा अगर हम देखें तो प्रमोटर यहाँ पर है टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, 39.52% की होल्डिंग है, और तकरीबन 4% की प्रमोटर की होल्डिंग गिरवी भी है, 45 म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा लगा है, 471 जितने एफआईएस ने भी पैसा लगाया है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 14.73% है। टाटा ग्रुप को लेकर एक बहुत बड़ी खबर चल रही है। आप देखिए, यहाँ पर टाटा ग्रुप स्टॉक ट्रेड नेक्स्ट एज एसपी ग्रुप टू एग्जिट फ्रॉम टाटा सन्स। तो देखिए, टाटा सन्स में जो इन एसपी ग्रुप का हिस्सा था, देखिए टाटा सन्स में 18% की हिस्सेदारी है इनकी, अब वो यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं, और इनकी इस खबरें के चलते शेयर में काफी ज्यादा उठापटक देखने को मिली है। देखिए, टाटा ग्रुप स्टॉक्स वेयर ट्रेडिंग मिक्स्ड आफ्टर शरो शपूर जी पलोन जी, अगर मैं ठीक से उसको प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो शपूर जी प्रोनाउन जी, एसपी ग्रुप ऑन सितंबर 22 टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट दैट इट वुड एग्जिट फ्रॉम टाटा सन्स। इन द स्टेटमेंट, एसपी ग्रुप विच ओन्स 18% स्टेक इन टाटा सन्स सेड सेपरेशन फ्रॉम टाटा ग्रुप इज नेसेसरी ड्यू टू द पोटेंशियल इम्पैक्ट दिस कंटिन्यूस इंडिजेशन फ्रॉम कुड हैव लाइक livelihoods and the economy indicate the potential end of the 70 years relationship between two। तो देखिए, पिछले 70 सालों से इन दो बड़े दिग्गजों का हम कह सकते हैं अच्छी रिलेशनशिप थी और दोनों ही अच्छे मिलकर काम कर रहे थे, लेकिन अब चीजें अच्छी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हैज ऑर्डर्ड द स्टेटस कोड टू द ट्रांसफर एंड प्लेजिंग ऑफ टाटा सन्स शेयर बाई। तो देखिए, यहाँ पर यह है कि टाटा सन्स के जो शेयर्स थे जो इसमें थे, अब वो यहाँ से ये एग्जिट करते बहुत बड़ा झटका तो जरूर लगेगा। द मिस्त्री फैमिली लेड ग्रुप हैज रिसेंटली मिस्ड अ डेडलाइन टू क्लियर इज ड्यू ओन टू इज ग्रुप कंपनी स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर। तो देखिए, इनकी खुद की कंपनी है, उसमें पैसा इन्होंने जो मार्केट से उठाया था उसकी जो पेमेंट करनी थी उसमें इन्होंने पेमेंट मिस किया है। तो
देखिए अब इनको पैसों की जरूरत है, और पैसों की जरूरत कहाँ से ये लोग फुलफिल करेंगे, तो भैया जो अपना हिस्सा है टाटा ग्रुप में उसको बेचकर कंपनी पैसा जुटाने की कोशिश कर रही है। तो देखिए रीजन वही है, ऐसा नहीं कि टाटा ग्रुप की कंपनियां खराब है, जिन्हें टाटा ग्रुप की कंपनी अच्छी है, लेकिन इनको एसपी ग्रुप को भैया जरूरत है पैसों की, और पैसों की जरूरत के चलते उनको हिस्सा बेचना पड़ रहा है। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक टाइम्स रिपोर्ट, टाटा सन्स लॉयर इन्फॉर्म द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ परचेज ऑफ 18% स्टेक ओन बाय द क्रैश ट्रिप सरोजिनी नारायण ग्रुप इज रेज मनी फॉर पेइंग। देख लो, देखिए पैसा जुटाने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत बड़ा कर्जा इनके ऊपर हो चुका है, अब उस कर्जे को चुकाने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा जुटाने के लिए टाटा ग्रुप में जो इनके शेयर्स है कंपनी उसको बेचकर पैसा जुटाने की कोशिश कर रही है। उसके अलावा टाटा मोटर्स की मैं बात करने जाऊं तो टेक्निकल रेटिंग अभी बिल्कुल भी अच्छी नहीं, क्योंकि मार्केट काफी ज्यादा टूटा हुआ है, और ऐसे टूटे हुए मार्केट में एंट्री करना थोड़ा सा मुश्किल है लोगों के लिए। यहाँ पर देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 75% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 4% लोग होल्ड करने की बात कर रहे हैं, 79% लोगों का पॉजिटिव व्यू है, जबकि 21% लोगों का नेगेटिव व्यू भी हमें देखने को मिल रहा है। उसके अलावा अगर हम देखें तो भैया बहुत बड़े दिग्गजों ने खरीदारी करने की सलाह दी थी, जिसमें मोतीलाल ओसवाल है, उनका जो टारगेट प्राइस है टाटा मोटर्स में वो 227 रुपये का है। 227 रुपये का टारगेट प्राइस है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट की भी खरीदारी की सलाह थी, 160 रुपये का टारगेट प्राइस उनका टाटा मोटर्स में देखने को मिल रहा था। उसके अलावा अगर हम देखने जाए तो देखिए कंपनी ने जून क्वार्टर में और मार्च क्वार्टर में बड़ा नुकसान किया है। जून 2020 में 8,400 करोड़ के आसपास का लॉस हुआ था इनके, और मार्च 2020 में 9,671 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है कंपनी को। इससे पहले के दिसंबर क्वार्टर में जरूर 1,950 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कमाया था, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर में कोरोना के चलते जो डिमांड में कमी आई है वो काफी ज्यादा बड़ी है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जून का जो क्वार्टर था, हालांकि वो तो लॉकडाउन का टाइम था, लेकिन सितंबर में अनलॉक के फेज में हम आ चुके थे, तो ऐसे में बिक्री अच्छी खासी हुई होगी, और डेफिनेटली लोग पर्सनल व्हीकल खरीदना ज्यादा पसंद कर रहे थे, तो अच्छे खासे ऑर्डर्स भी इन कंपनी को जरूर मिले होंगे उस वक्त के दौरान। शेयर होल्डिंग में देखें तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को काफी हद तक इंक्रीज किया है, 43.17% की होल्डिंग आज 47.31% है। गिरवी रखे हुए शेयर्स को भी छुड़ाया गया है, 4.67% की होल्डिंग 3.95% के आसपास है। एफआईएस की होल्डिंग अभी भी बहुत बड़ी है, 18.79% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास भी 6.86 और इंश्योरेंस कंपनी में 7.74% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल टाटा मोटर्स के शेयर में मुझे लगता है कि थोड़ा सा दबाव आने वाले कुछ दिनों तक देखने को मिलेगा। रीजन पहला तो देखो भैया मार्केट बहुत हद तक टूटा हुआ है, अमरीकी बाजार यूरोपियन बाजार सब में दबाव है, और सब में गिरावट हमें देखने को मिली है, जिसका असर भारतीय बाजारों पर भी देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से मार्केट में बिकवाली का पैनिक फैला है ना, याद रखिए ये और शेयर को नीचे तोड़ सकता है। और दूसरी चीज, जो टाटा ग्रुप से जो एसपी ग्रुप का जो एग्जिट हुई है, उससे कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा टाटा ग्रुप के शेयर्स के ऊपर। तो मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स के शेयर में भी थोड़ी सी गिरावट आ सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी खराब है, जी नहीं, कंपनी जरूर सर्वाइव कर जाएगी, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए गिरावट यहाँ पर बनी रहेगी, तो इसीलिए खरीदारी करने की सलाह अभी इस प्राइस पर नहीं है मेरी। लेकिन अगर शेयर आपको 110 या 100 110 रुपए के आसपास अगर मिलता है, तो मुझे लगता है कि खरीदारी आपको करनी चाहिए उस लेवल पर। जरूर एक बढ़िया मौका आएगा टाटा मोटर्स में खरीदारी करने का, तो अगेन मैं आपको कह दूं कि अभी जल्दबाजी मत करिए खरीदारी करने को लेकर, आपको मौका मिलेगा खरीदारी करने का, और खरीदारी की है और आपका नजरिया लंबी अवधि का है, लंबी अवधि से मेरा मतलब कम से कम अगर आपका 2-3 साल का नजरिया है, तो मेरे हिसाब से आपको बने रहना चाहिए यहाँ पर। इस गिरावट आएगी, और अगर शेयर 100 तक जाता है तो आप वहां पर एवरेजिंग भी करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन अगेन मैं कह दूं आपको, अगर शॉर्ट टर्म के निवेशक हैं तो अभी आपको यहां पर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मार्केट में गिरावट है, बेटर है कि आप ट्रेड लेने से बचे अभी के वक्त में, जब तक मार्केट स्टेबल नहीं हो जाता तब तक कोई ट्रेड ना करे, ट्रेड लेने से बचे, और काफी चुनिंदा शेयर्स को चुने, और फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर को चुने, जैसे कि एचसीएल हो गया, रिलायंस हो गया, ऐसे फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर को आप यहाँ पर चुनने की कोशिश करें। टाटा मोटर्स और बाकी ऐसे जो शेयर्स है उसमें थोड़ा सा जो 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 रिस्की शेयर्स है उसमें थोड़ा सा आप वेट करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अगेन 3 साल का नजरिया है, 2-3 साल का नजरिया है तो ही यहाँ पर ट्रेड ले, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि 100 रुपए तक पहुंचता है तो आपके पास एक बढ़िया मौका होगा खरीदारी करने का, तो उस लेवल्स को भी आपको एक बार ध्यान में जरूर रखना होगा।
इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करो, अगर चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो। टाटा मोटर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।